और दोस्तों ये जो है ये है, ये जो मार्केट में आजकल नए आलू आ रखे हैं, नए वाले आलू हैं, बस इन्हें थोड़ा हल्का सा छीलना है, हल्के छिलके से ही इनके छिक्कल निकल जाते हैं। और इस तरीके से छोटे छोटे आलू हैं तो दो दो पीस करके रखें, और अब इन्हें अच्छे से दो पानी में इन्हें वॉश करेंगे। जितनी भी इनकी गंदगी है ये सारा ये गंदा पानी निकाल देंगे और इन्हें अच्छे से दो पानी से धो के रख लें। और दोस्तों आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू और पालक की रेसिपी, और ये आलू पालक आज कुछ खास तरीके से बनने वाला है। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज दयाल जी के ढाबा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए ये पालक, हमने जो पहले से ही बारीक करके चॉप करके रखा हुआ है, धो के अच्छे से साफ करके चॉप करके रखा हुआ है, और ये आलू ये नए वाले आलू हैं, नए आलू को हमने अच्छे से धो के काट के और बारीक करके रखा हुआ है, और प्याज दो, प्याज दो, टमाटर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च का पेस्ट बनाएंगे इसमें पेस्ट डालेंगे तो जो लाल वाली मिर्ची है उसे थोड़ा कम डालेंगे, और ये हमारे सारे खड़े मसाले, खड़े मसाले एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दो लौंग, एक इलायची, और ये है साबुत धनिया और जीरा, और ये है थोड़ा सा सौंफ। तो शुरू करते हैं आलू पालक की सब्जी बनाना। अब पैन हमारा गर्म हो गया और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये दो बड़े चम्मच से सरसों का तेल है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया और अब हम डालेंगे हमारे जितने भी खड़े मसाले हैं, ये खड़े मसाले। और खड़े मसाले हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए, अब इसमें डालेंगे प्याज, और उसके बाद में ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन मिर्ची और जीरे का पेस्ट जो बना है। और देखिए दोस्तों प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गए, अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमारे हमने कटे हुए आलू, आलू को इसके साथ में ही फ्राई करेंगे जिससे कि हमारे आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए। और अब इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसके लिए थोड़ा सा डालेंगे नमक, और एक चम्मच कसूरी लाल मिर्च, और दो से तीन मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे जब तक कि हमारे आलू सॉफ्ट ना हो जाए। और ये धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा नमक है, इसका घोल बनाएंगे, और घोल बना के फिर इसे मसाला। तो दो से तीन मिनट हो गए और देखो ये देखो हमारे आलू एकदम से सॉफ्ट हो गए, और अब हम डालेंगे जो हमने धनिया पाउडर और ये इसका घोल बना दिया, और ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से बनके तैयार हो गया आलू के साथ में। और अब हम डालेंगे इसमें ये जो हमारा कटा हुआ पालक, जो हमने अच्छे से बारीक करके पालक काट के रखा हुआ पालक डालेंगे, और देखिए दोस्तों पालक को भी मिक्स नहीं करना है, इसे इसी तरीके से रख देंगे, और ये धीरे धीरे करके इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि पालक में से ऑटोमेटिक पानी आता है, और इसमें पानी नहीं डालेंगे, और इसे थोड़ी देर के लिए अभी 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट में ही हमारा आलू पालक की सब्जी बन के हो जाएगी तैयार। और दोस्तों 5 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं, और देखिए 5 मिनट में ही हमारी सब्जी बन के हो गई है तैयार। और अब इसमें ऊपर से डालेंगे ये जो हमने हरा धनिया काट के रखा हुआ है, हरा धनिया ऊपर से डालने करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर, आलू हमारे एकदम ये सॉफ्ट हो गए, आलू अच्छे से पक गए। और देखिए दोस्तों सब्जी हमारे बनके हुई है तैयार, और गैस को कर देते हैं बंद, और ये दिखने में जितनी अच्छे लग रहे दोस्तों ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। ये है हमारा आलू पालक की सब्जी, और आलू पालक की सब्जी देखने में जितना अच्छा लग रहा है ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। और दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज दयाल जी के ढाबा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।